करेक्ट है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख चुके हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई देख चुके हैं, तो एकदम आराम से कंसंट्रेट करना। चलिए सबसे बढ़िया, ओके गणेश क्या बात है। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वॉट? प्राइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है बेटा? प्राइस है। प्राइस के केस में अगर हम बात करें, प्राइस के केस में अगर हम बात करें, क्या प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या सप्लाई भी इंक्रीज होगी? इट्स क्वाइट लॉजिकल, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, एंड प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी यारा क्या होगा? कम होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सबके मैसेज दिख रहे हैं आपको एक्सेप्ट मी? उषी, उषी तेरे मैसेज दिख रहे हैं ना बेटा? रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया। हाँ जी, देन उसके बाद में, देन उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, ये होने के बाद हम लोगों ने, नहीं मैं जूम पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे कर रहा हूँ रिकॉर्ड, अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो वो कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग ऑन। सर यूनियन बजट है ही नहीं यूट्यूब पे, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो मैडम, बस क्या निशिका बेटा, पूरा CACET अपलोडेड है और बोल रहे हो आप यूनियन इंडियन नहीं है करके। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने ना यहीं से टेबल के ऊपर जम कर, टेबल के ऊपर चढ़ के जम कर देना, आपने ऐसा बोला है तो, है ना, सुसाइड हो जाएगी, सुसाइड में हो जाएगी, मतलब सुसाइड हो जाएगी। चलिए एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। चलिए सो और कौन सा फैक्टर है? तो बहुत सारे फैक्टर्स है यार, देखो एक तो आपका प्राइस है, सेकेंड वन प्राइस के बाद में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर कोई प्रोडक्ट का बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस ये बात है उसका क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, सब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, करेक्ट है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो अफेक्ट। पॉइंट नंबर थ्री हमने देखा था टेक्नोलॉजी, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। अगर यार एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो सप्लाई आपकी बढ़ेगी, और अगर आपके पास पुअर टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करेक्ट है। देन उसके बाद में हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स है वो भी अवेलेबल होने चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अवेलेबल होने चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए। अरे कोई भी कमोडिटी को बनाना है तो क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, करेक्ट है ना। तो वो सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसको? सप्लाई को। अच्छा कोई एक बताएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बट द सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वॉट बेटा? प्राइस। तो हम लोग बाकी सारे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने देखा था, बाकी सारे फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, ऑल अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। बाकी जितने भी फैक्टर है उसको हम लोग कांस्टेंट करेंगे, हम लोग प्राइस का रिलेशन देखेंगे सप्लाई के साथ। क्या आप रिलेशनशिप देखने के लिए रेडी हो बेटा? प्राइस और सप्लाई का, है ना, डोंट थिंक अदरवाइज, प्राइस और सप्लाई की बात करेंगे, हाँ या ना? सो प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप हम लोग देखने वाले हैं। क्या कोई मुझे बता पाएगा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है? सर रिलेशनशिप पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैं बोल रहा हूँ मुंडी मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, आजू बाजू में देखो और सबको बोल दो कि मेरे को अगर पास होते हुए देखना चाहते हो तो मेरे से बात ना करो, मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो। अगर वो फिर भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, याद रखना उनके मन में खोट है, और ऐसे जिनका मन मेला है उनके साथ हम नहीं रह सकते, तो छोड़ दीजिए। सर घर पे रह रहे, मम्मी पास में है सर, अगर मम्मी को ऐसे बोलूंगी ना सर, तो मम्मी है ना तवा फेंक के मारेगी, मेरा मुंह है ना सर जली हुई चपाती जैसे हो जाएगा, रोटी जैसे हो जाएगा। सर आप आपकी वाइफ के साथ नहीं रहते हो क्या? अच्छा बेटे बड़ा बड़ा पंचायती, तेरे को मैं किसके साथ रहता हूँ? चल बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे मंडे ट्यूजडे से, स्टार्ट करवाता हूँ बेटा। ओके चलो, सो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और प्राइस को देखने हमने एक लॉ बना दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बना दिया बेटा बताइए जल्दी से? लॉ ऑफ सप्लाई। तनु मैडम आपका मैसेज भी दिख रहा है, गुस्सा नहीं करते सर, आपको मेरा ही मैसेज नहीं दिखता, बाकी सबके मैसेज दिखता है, ऐसे थोड़ी होता है। ओके लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला गया है? ऑल अदर फैक्टर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, बाकी जितने भी फैक्टर है वो क्या क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। हम लोग जो रिलेशनशिप देख रहे हैं वो किसका रिलेशनशिप देख रहे हैं? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का, और इतिहास गवाह है, ये विधि का विधान है, इतिहास गवाह है कि जब जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड जब जब प्राइस उसका हुआ है, quantity supply of that commodity also decreases, so there will be a positive relationship between price and quantity supply, और जिसका relationship positive आता है, कोई बोल सकता है, जिसका relationship अगर positive आता है, तो उसका slope कैसा होता है? मेरा आवाज कम आ रहा है? आवाज कम आ रही है? नहीं नहीं एंड दूसरा देखो यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूज ईयरफोन, करेक्ट है, ईयरफोन यूज करना बहुत जरूरी है फॉर बेटर एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, है ना,
ईयरफोन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है आप ईयरफोन यूज़ करोगे नहीं, कभी कभार मेरे है ना इधर उधर से जोक्स निकल जाते हैं, और वो जोक्स अगर घर वाले सुन लेते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ है ना। चलिए, सो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जिनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, जिनका रिलेशनशिप अनामिका पॉजिटिव है, उसका जो स्लोप आता है वो कैसे आता है, अपवर्ड स्लोप आता है। कैसा स्लोप आता है बेटा, अपवर्ड। तो कोई आपसे पूछे लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप कैसा है तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप कैसा है तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ डिमांड। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, सबने अपवर्ड बोला है, अपने आपको एक जोर से थप्पड़ मार लो, मेरा एक काम करो इधर आओ इधर आओ, मैं थप्पड़ मार दो दोनों गालों पे तुम्हारे, अबे ढोकलो, मैंने लॉ ऑफ डिमांड पूछा है यार, मैंने लॉ ऑफ डिमांड पूछा है भाई, सही से सुन तो लिया करो, कानपुर में जो प्रॉब्लम है ना उसको ठीक करिए पहले। लॉ ऑफ डिमांड में कैसा स्लोप था, डाउनवर्ड। हम पुरानी बातें कर रहे थे बाबू, हम पुरानी बातें कर रहे थे बेटा, ऐसे नहीं करते ना जानू, ऐसे थोड़ी करते हैं। अच्छा चलिए, तो लॉ ऑफ सप्लाई में, अब मैं बात कह रहा हूं आपसे कि लॉ ऑफ सप्लाई में स्लोप कैसा आता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई में स्लोप कैसा आता है, अपवर्ड स्लोप आता है। कैसा स्लोप आता है दोस्तों, अपवर्ड स्लोप आता है, अपवर्ड नहीं अपवर्ड, मेरा नाम मत लो, अपवर्ड नहीं अपवर्ड। पीयूष कर लिया बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी डोंट वरी। चलिए, अपर स्लोप है ठीक, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अजम्पशंस, इसमें भी एक ही अजम्पशन है, सिर्फ एक अजम्पशन है, दैट इज व्हाट, सैटरिस पेरिबस। सैटरिस पेरिबस का मतलब क्या हो गया, सैटरिस पेरिबस का मतलब क्या हो गया, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। सैटरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी जितने भी फैक्टर कांस्टेंट, हाँ जी। अब देखो यार, मैंने ये चेंज किया, सेल चेंज किया, सेल चेंज किया, अभी आवाज आएगी। सो अदर थिंग बीइंग कॉन्स्टेंट मतलब बाकी जितने भी फैक्टर है, लाइक टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हाई ना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स वगैरह हो सकते हैं, फिर नेचुरल क्लाइमेट कंडीशंस हो सकती है, वो सारे के सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे आपके, कॉन्स्टेंट रहेंगे। दीज ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा बताइए, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा, चेंज होगा प्राइस में, और उसका इफेक्ट हम किस में देखेंगे, क्वांटिटी सप्लाई में। उसका इफेक्ट हम लोग किस में देखेंगे यारा, क्वांटिटी सप्लाइड में देखेंगे, करेक्ट है। अरे हाँ या ना, अच्छा, जहां जहां अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशन एक ही है मुन्ना, एक ही अजम्पशन है, एक ही अजम्पशन है, और कोई अजम्पशन है ही नहीं, एक ही अजम्पशन है, सैटरिस पेरिबस मतलब अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन एक्सेप्शन जरूर है। सर वॉइस बहुत लो आ रहा है, अभी भी लो आ रहा है, ये तो फुल है यार इधर से, तो सुनाई भी नहीं दे रहा क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं, दे रहा है ना, क्लियर है ना, ईयरफोन में सही है सर, हाँ थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो ना, ईयरफोन लगा लो बेटा, वो बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है सर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बताया आपने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बताया, अच्छा चलो देखो, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको क्या लगता है प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, जो लोग हंस रहे हैं ना वो कल्प्रिट लोग हैं, वो कल्प्रिट लोग हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ही उस लेवल पे जा चुकी है जिस लेवल से आपको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, पर ठीक है, यहाँ पे मुझे तनिष्का मैडम दिख रही है, ओके चलिए। सो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, जब हम कोई गुड्स बनाते हैं, जब हम कोई सर्विसेज बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर्ड वॉट, लैंड, वी रिक्वायर लेबर, वी रिक्वायर कैपिटल, एंड वॉट बेटा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हो गया कि भैया ओनर चाहिए, तो अगर ये फैक्टर्स अवेलेबल है ना तो ही प्रोडक्शन होगा भाई साहब, लैंड है, लेबर नहीं है, प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं हो पाएगा, लेबर है, पैसा नहीं है, तो बिना पैसे के काम कौन करेगा तुम्हारे यहां पे, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो दीज फैक्टर्स, ये सारे अगर चीजें अवेलेबल होगी, अगर ये सारे के सारे लोग अवेलेबल होंगे, अगर ये सारे लोग अवेलेबल होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी बहुत इच्छा है करने की, प्रोडक्शन, लेकिन 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 फैक्टर्स ही नहीं है ना, आपके पास हाइच नहीं तो कैसे प्रोडक्शन होगा,
अरे आपके पास अगर फैक्टर्स ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगा, ना आपके पास लैंड है ना लेबर है ना ना ना। ओके चलिए, सो दीज फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट। चलो अभी अभी हम देखो, लॉ ऑफ डिमांड तो बहुत ईजी है, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई तो बहुत ईजी है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई एंड द लोअर द प्राइस एंड द लोअर द सप्लाई। तो इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ही डायरेक्ट डायरेक्ट है, इसीलिए स्लोप कैसा आएगा, अपवर्ड स्लोप आएगा। स्लोप कैसा आएगा, अपवर्ड। इसके एक ही अजम्पशन है, अजम्पशन एक ही है यार, अजम्पशन एक ही है, दैट इज व्हाट, सेटरिस पेरिबस। नेहा मैडम कौन से स्टैंडर्ड में आप, नेहा मैडम इतने से दिख रही बेचारी, एकदम सेवेंथ वाली लग रही है, अभी अभी लग रहा है तेरे को कॉलेज स्कूल से निकाला हुआ है और तू कॉलेज में आ गई है बेटा। चलिए सैटरिस पेरिबस, मैं आई एम जस्ट किडिंग, दिल पे नहीं लेना बेटा बात। हाँ सो सैटरिस व्हाट बेटा आपका, पेरिबस, सैटरिस पेरिबस। जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे होंगे दूसरी बार देख रहे होंगे तो भाई साहब बता दें आपको कि बातें दिल पे लेनी नहीं है, थोड़ा सा हम कभी कभी कर लेते हैं मस्ती, ज्यादा मस्ती नहीं करता हूँ, कभी कभार थोड़ा इतू सा इतू सा। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन। पहले मुझे ये बताइए एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा यार, एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीज जहां पे लॉ फॉलो होता नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि लॉ फॉलो होता नहीं है, एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीज जहां पे क्या फॉलो नहीं होता यार, लॉ फॉलो नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। सो पहले लॉ फॉलो नहीं होता, उसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है, लॉ कहता क्या है, हमको ये जानना है। तो हमको पता है ना, हमको पता है सर, बताने की जरूरत नहीं है सर, है ना, बताने की जरूरत नहीं है सर आपको, हमको पता है सर, हमको आता है सर कि लॉ ये कहता है कि हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन एक्सेप्शन में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी फिर भी सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा फिर भी सप्लाई कम हो जाएगा। ये कहां पे हो रहा है, एक्सेप्शन में हो रहा है, ये कहां पे होएगा बेटा, एक्सेप्शन में होएगा। ये तनु कौन है, ये छोटा भाई है क्या तेरा, नॉटी, चलिए क्या बात है। सो देखते हैं एक्सेप्शन के केस में, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। एक्सेप्शन नंबर वन है दैट इज व्हाट, लेबर सप्लाई। एक्सेप्शन नंबर वन है दैट इज व्हाट बेटा आपका, लेबर सप्लाई। पूरी शिद्दत के साथ ध्यान दीजिएगा, है ना, दिल और दिमाग तक बात पहुंच जानी चाहिए। कल को लेट से कि आप अपने हाथ को ऐसा चाकू लो और ऐसा हाथ काटो भी ना तो कंसेप्ट ही बाहर आना चाहिए, ठीक है, खून नहीं आना चाहिए, कंसेप्ट इकोनॉमिक्स ही बाहर निकलना चाहिए। मैं तो बोलूँ सुस, ठीक है ज्यादा हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, आराम से लेबर सप्लाई की बात करते हैं, शांति से सुनिएगा। ये अपना अमितेश बाबू है ना, अमितेश बाबू, ये रहा हमारे पास अमितेश बाबू, दिख रहा है, यस और नो बड़ी। ओके ये देखिए, इसका मैंने ड्राइंग निकाल दिया एकदम परफेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, तेरे बाल इतने बड़े थोड़ी है ना, अमितेश की जगह, अमितेश की जगह अमिता बना दिया तेरे को मैंने, ठीक है। अमितेश बाबू दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब अमितेश बाबू जो है ना यार, है ना भाई साहब, स्ट्रगल फॉर लाइफ है इसकी, यार बहुत मेहनत करता है, वेरी हार्ड वर्किंग यार, बहुत हार्ड वर्किंग है ना। और मतलब इसने बहुत एकदम लाइफ है ना, एकदम जीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया, एकदम स्क्रैच से। अब देखो अब ये बन गया सीएस, सीएस बन गया अमितेश, अमितेश बन गया सीएस। ये देखिए अमितेश बन गया सीएस, सीएस बन गया अमितेश, अमितेश बन गया सीएस, सीएस बन गया अमितेश। ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या बन गया, सीएस बन गया अमितेश, अमितेश बन गया सीएस। ओहो हो क्या बात है, सीएस बन गया अमितेश, अमितेश बन गया सीएस, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो यार भाई साहब, सीएस बनने के बाद इसकी तो लग गई क्या क्या जॉब। अबे सीएस बनने के बाद में क्या लगती है, जॉब लगती है ना, तो सोच क्या रहे हो ऐसा, मतलब सिंपल पूछा मैंने, उसको भी तुम घुमा के आंसर दोगे, सर क्या लग गई, गंदे लोग। चलिए इसकी जॉब लगी, वो भी कहां पे पता है आपके, रिलायंस में, वो भी अंडर नीता अंबानी। ओ माय गॉड, मंत्र वाली बंदी है ना, जो मंत्र गिनती रहती है, हाँ है ना, आईपीएल जिताते रहती है मंत्र गिन गिन के, हाँ बस वहां पे जॉब लग गए भाई साहब, खतरनाक एकदम स्वैग, बंदे का स्वैग है। अब यार इसका ना स्टार्टिंग सैलरी क्या था ना, इसको इसको पहले इसको क्या बोला था, अमितेश को बोला कि बेटा आपको 6 आवर्स काम करना है, कितने घंटे काम करने हैं आपको, 6 घंटे आपको करना है काम, उसके बदले में आपको 50,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी मिलेगा। कितना सैलरी मिलेगा बेटा, 50,000। अब देखो यार स्टार्टिंग में क्या होता है समझो, अब यार जब हमारी जॉब लगती है ना, हम चाहते हैं यार ज्यादा काम करें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि इंप्रेस हो जाए और हमारी सैलरी बढ़ जाए। तो इस व्यक्ति ने ना दिन देखा ना रात, ना सुबह देखी ना शाम, करता गया करता गया करता गया करता गया, काम 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 काम। सर लाइन्स में इतनी सैलरी मिलती है, अबे एग्जांपल दिया रे बेटा,
अभी एग्जाम्पल दिया है। सो ना इसने सुबह देखा, ना शाम, ना दिन देखी, ना रात, ये सिर्फ करता गया करता गया करता गया काम, और इसने इतना काम किया कि नीता अंबानी सेटिस्फाई हो गए कि बोले क्या करता है तू काम। इसको बुलाया, नीता अंबानी बुलाया, बोले अमित अमित, बोले मीट मीन कैबिन, कैबिन में मिली है मुझसे, बोले अभी तेज बेटे मौज कर दी बेटे। अच्छा, सो कैबिन में गया बंदा, बोले आय हाय हाय क्या काम किया है, आज से आपकी सैलरी है ना, आज से आपकी सैलरी कर दी जाती है 1 लाख रुपीज, बट ऑन अ कंडीशन, आपको अब कितने आवर्स करना पड़ेगा, 8 आवर्स तक काम करना पड़ेगा। कितने आवर्स तक? 8 आवर्स तक। गाइस टेल मी, क्या प्राइस इंक्रीज हो रही है? क्या इसने नंबर ऑफ आवर्स, आई एम सॉरी, प्राइस इधर है क्या? हाँ कर रहे हो, ढोक लो, प्राइस यहाँ पे, प्राइस इंक्रीज हो रही है? यस। क्या उसने काम, मतलब जो उसका लेबर सप्लाई है, क्या वो भी इंक्रीज हुआ? करेक्ट है कि नहीं है? यस और नो? मतलब प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। सर यहां तो लॉ फॉलो हो रहा है, सर यहां तो लॉ फॉलो हो रहा है ना, कहां लॉ फॉलो नहीं हो रहा है? लॉ क्या बोलता है? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। सो यहां पे भी वही हो रहा है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। अच्छा थोड़ा रुको, सबर करो। अमितेश ने हाय हाय मस्त काम किया। नेक्स्ट मंथ फिर से अंबानी ने कॉल किया, बोले मीट बिन कैबिन, कैबिन में मिलते हैं, बोले बताइए। गया ये मिलने मस्त, बोले अब आपको 10 आवर्स काम करना है। कितने? 10 आवर्स काम करना, आपका सैलरी हो गया 1,50,000। मुबारक हो, आपका सैलरी हो गया 1,50,000। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो। सर इधर भी लॉ फॉलो हुआ, सर सर इधर भी लॉ फॉलो हुआ, सर सर ये एक्सेप्शन बता रहे हो आप सर, लेकिन ये तो गलत बता रहे हो। सबर करो। अब देखो यार, अमितेश की शादी हो गई यार, बंदे की शादी होगी, ठीक है। शादी होने के बाद तुमको बताना, बंदा परेशान रहता है, आप मेरे को देख लो अब है ना। ओके, तो शादी होने के बाद में व्यक्ति क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। शादी के बाद घर पे भी तो देना पड़ता है, घर पे भी तो टाइम देना पड़ता है। यस और नो? घर पे भी तो क्या देना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है। तो उस चक्कर में अब देखो यार, अंबानी, लेकिन रिलायंस वालों की, अब रिलायंस वालों को जरूरत है, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहा है ना, रिलायंस वालों को जरूरत है बेटा। इन्होंने इनकी सैलरी बढ़ा दी 2 लाख रुपीज कर दी, प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन अमितेश ने क्या बोला कि मैडम सुनो, मैडम सुनो, अब कॉन्सेंट्रेट करना, मैडम सुन लो कि हमको क्या करना है। हाँ जी, हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना। मैडम ने बता दिया कि भाई साहब अब मैं ना, मैं 8 आवर्स ही काम करूंगा। मैं कितने आवर्स काम करूंगा? 8 आवर्स, क्योंकि मुझे 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 अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। अब मुझे टाइम किसको देना है? फैमिली को भी टाइम देना है। गाइस मेरे को बताइए, प्राइस इंक्रीज हुई है बट सप्लाई क्या हुआ है? प्राइस इंक्रीज हुई है बट सप्लाई क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि अब इसको लाइफ में रेस्ट करना है, लाइफ में इसको फैमिली टाइम भी देना है, फैमिली टाइम भी देना है। फिर थोड़े दिनों बाद में इसकी सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख होगी, लेकिन इसने बोला मैं तो अब 6 आवर्स ही काम करूंगा, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं तो 6 आवर्स ही काम करूंगा, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। अगेन प्राइस इंक्रीजेस बट द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट लेबर इज व्हाट बेटा? डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ में अब रेस्ट करना है। अब ये व्यक्ति चाहता है, ये व्यक्ति चाहता है कि मैं लाइफ में बाकी चीजें भी इंजॉय करूँ यार, काम बहुत कर लिया, फैमिली बनाऊंगा, है ना, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, लेकिन बच्चे कब होंगे? जब टाइम दूंगा। यस और नो? करेक्ट है? यस और नो? समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? तो यहां पे क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। सर तो सर कोई क्यों देगा? बेटा एक बात समझो, तृप्ति बोल रही है, सर कोई क्यों देगा जब वर्किंग आवर्स कम हो जाएगा? बेटा एक बात समझना तृप्ति, जब आपको किसी व्यक्ति की जरूरत होती है ना, तो आप पैसे भी ज्यादा देते हो और वो काम भी कम करता है। अब अगर अमितेश आज अगर कंपनी छोड़ देना, तो माइट बी पॉसिबल कंपनी डूब जावे, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये व्यक्ति ने इतना अच्छा काम कर दिया है, तो कंपनी को पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, फिर भी ये काम कम कर रहा है। अच्छा आज यार मैं बताऊं, मैं ना, मैं 10 आवर्स का टीचिंग कर रहा हूं, मैं 10 to 12 आवर्स का टीचिंग कर रहा हूं, लेकिन क्या आज के 5 साल बाद में क्या मैं 10 to 12 आवर्स का टीचिंग करूंगा? आंसर इज नो, नहीं करूंगा मैं इतना टीचिंग। भले ही उस टाइम में मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, फिर भी मैं काम कम करूंगा, क्योंकि लाइफ में और भी तो प्लान है। करेक्ट ना? तो आपकी सैलरी कितनी है? बस 22,000 रुपये, 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज। संस्कृति, ये आपकी सिस्टर है क्या? क्यूट सी, क्या बात है, उसको हाई बोलना मेरी तरफ से। ओके चलिए, तो यहां पे क्या हुआ, एक स्टेज ऐसा आएगा,
एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट वहां से आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आज मेरे को एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, सपोज रतन टाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज उनका प्राइस ज्यादा है फिर भी वो काम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कम करें यार, काम ज्यादा है बट फिर भी सप्लाई उनका, लेबर उनका काम, मतलब प्राइस ज्यादा है फिर भी काम वो कम कर रहे हैं, करेक्ट है ना। एक टाइम के बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, एक टाइम के बाद में लाइफ में एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पहला एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, फर्स्ट एक्सेप्शन है। क्या कहते हैं, नाम क्या है इसका, कॉमन एवरीबॉडी, नाम क्या है इसका, लेबर सप्लाई। देखिए आराम से समझिए बेटा, आराम से। सर मैसेज आपको पर्सनली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई महाशय ना गाली गलौज दे रहे थे, तो क्या है ऐसी, यू नो वॉट, करेक्ट। अभी तो मैं उसको ब्लॉक ही कर देंगे, बट ठीक है। चलिए लेबर सप्लाई की अगर हम बात करें, एकदम कंफर्टेबल रहिएगा, हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन पढ़ने के पहले ये दिमाग में फिट कर लेना, एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ फॉलो होता नहीं है, जहां पे लॉ फॉलो होता नहीं है उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शन। लेबर सप्लाई का एग्जाम्पल वापस से समझिए, एक बार फिर से समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपका प्राइस जो था ना, आपका सैलरी था 50,000, यू आर वर्किंग फॉर, लेट से आपका वर्किंग आवर्स था 6 आवर्स, 6 घंटे आप काम करते थे, सैलरी हो गया आपका 1 लाख, आप 8 घंटे काम करते हो, सैलरी हो गया आपका 1,50,000, आप 10 आवर्स काम करते हो, बट एक स्टेज पे आने के बाद लाइफ में क्या होगा, सैलरी बढ़ रही है आपकी, वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, अब आपका एक्सपीरियंस आ गया आपके पास। सर आई एम न्यू टुडे, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा, पहले है ना पुराने लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, महक जी पहले वो ओल्ड लेक्चर्स देखिएगा एंड देन ये देखिएगा बेटा, है ना, वैसे समझ नहीं आएगा। सो 2 लाख रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल ही इज अर्निंग वॉट 2 लाख रुपीज, बट नाउ ये सिर्फ कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या करना है, अदर एक्टिविटीज को भी इंपॉर्टेंस देना है। एक टाइम होता है, एक टाइम होता है जब हम लोग कहाँ पे काम, कहाँ को, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में हम काम के अलावा भी अदर एक्टिविटीज को भी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट से सैलरी बिकम्स 2,50,000, बट इसका एज हो गया 45 ईयर्स, अब ये 6 घंटे ही काम करेगा, अभी 6 घंटे काम करेगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इसका सैलरी बढ़ रहा है क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इसको एडवाइस के पैसे मिल रहे हैं भाई, एडवाइस का पैसा मिल रहा है, फिर भी ये अभी 4 ही घंटे काम करता है, 4 आवर्स ही काम करता है, सैलरी बढ़ रही है बट काम क्या हो गया, कम। तो इस स्टेज के बाद, इस स्टेज के बाद मैं बोल सकता हूं क्या, आपका प्राइस इंक्रीजेस बट क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, ये क्या हो गया आपका, एक्सेप्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक्सेप्शन। तो फर्स्ट एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई का क्या है, लेबर सप्लाई, क्या है, लेबर सप्लाई। एक मिनट रुकिएगा, इसका डायग्राम निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्वांटिटी सप्लाई कहां पे आएगी बेटा, एक्स एक्सिस पे, और वाई पे क्या आएगा बेटा आपका, प्राइस, प्राइस 50,000 था, 1 लाख हुआ, 1.5 लाख, 2 लाख हुआ, 2.5 एंड 3 लाख, इस तरीके से प्राइस है। आवर्स की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि यहां पे आपका 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स और 10 आवर्स काम कर रहे हो। जब 50,000 मिलता था तो यू आर वर्किंग फॉर 6 आवर्स, करेक्ट ना, यू आर वर्किंग फॉर 6 आवर्स। जब 1 लाख रुपए मिलने लग गया, यू आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स, तो सेकेंड पॉइंट यहां पे आएगा। जब 1,50,000 मिलने लग गया, यू आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मतलब यहां पे आ जाएगा। लेकिन जब आपको 2 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज मिलने लग गया, तो आपने 8-10 घंटे की जगह 8 घंटे ही काम करना प्रेफर किया, मतलब यहां पे आपने आपकी सप्लाई बढ़ा दी, सॉरी कम कर दी। फिर 2,50,000 मिला तो आप बोले नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 6 आवर्स ही काम करूंगा भैया, बस हो गया, मैं तो सिर्फ 6 घंटे ही काम करूंगा, और यहां तो आपने 4 घंटे ही काम किया है। So, अगर देखोगे ये पॉइंट को, अगर मैं ज्वाइन करूंगा, है ना, देखिएगा ये, देखिएगा ये, देखिएगा, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, क्योंकि इस पॉइंट से वो पीछे चला गया है, इस पॉइंट वो पीछे चला गया है, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। बैकवर्ड मतलब पीछे जाना, बेंड हो रहा है, यहां से बेंड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। दिस इज द लेबर सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट बेटा, यस, अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। ऐसा होता है सर, हाँ, अरे मैं बता रहा हूं, मेरा खुद का बता रहा हूं मैं आपको, मैं मेरा पर्सनली अगर बताऊं, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, आई वॉज वर्किंग फॉर 12 आवर्स एंड आई एम अर्निंग लाइक 12,000, 15,000, 20,000 रुपए आई वॉज अर्निंग,
ठीक है, आज मैं 12 घंटे तो काम नहीं कर रहा हूँ, आज मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन सैलरी यू नो उससे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही है, ज़्यादा नहीं है, बस दाल रोटी होता है बेटा, दाल रोटी मिल जाती है, वो कोई खास सैलरी थोड़ी है ना, गरीब आदमी हूँ भाई साहब, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, दिस इज वॉट बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। आप कब से पढ़ा रहे हो बेटा? मुझे हो गया 6 साल हो गए, व्हेन आई वॉज 20 ना तब से स्टार्ट किया था मैं, 6 साल हो गए, हाँ 20 एंड हाफ था तभी। iPhone 11 है आपके पास? अरे वो तो चंदे के पैसे से आया ना, iPhone 11 तो चंदे के पैसे से आया, आपकी अर्निंग क्या है? बस दाल रोटी हो जाती है, दाल रोटी हो जाती है और क्या, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। LR के लेक्चर भी रिकॉर्डेड है सर, ऐसा मत करो, हम सर CS छोड़ देंगे, अगर 12,000 15,000 ही मिलता है हम CS करना छोड़ देंगे, CS में स्कोप नहीं है इसका मतलब, ना ना, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग बेटा, है ना, ठीक है। सो फिगर देखिए यार, देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, बट इस पॉइंट से प्राइस बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। क्या बोलेंगे बेटा? बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। आदित्य बोला सर आज कुछ टिप्स दो, अगर बैठे मेरे लेक्चर के टाइम पे तूने अगर पर्सनली किसी को मैसेज किया ना, है ढोकले, पर्सनली मैसेज नहीं करना, सख्त रहना, सख्त, कल मैंने बताया था ना, सख्त रहना। सर थर्ड चैप्टर के नोट्स सैटरडे को भेज दो, भेज देता हूँ, सारे भेज देता हूँ, कल भेजूंगा, कल भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार रुकिए, एक्सेप्शन का ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जो लोग लेक्चर में बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, भैया ऐसा ना करिए, कंटिन्यूअस देखते रहिए, ऐसा नहीं करना बेटा। इसका रिलेशनशिप इसका पहले स्टार्टिंग में पॉजिटिव है एंड देन उसके बाद में नेगेटिव रिलेशनशिप है। मॉड्यूल में कैसे पढ़ाई पढ़ाई करनी है ये बता दो, मॉड्यूल से कैसे पढ़ाई करनी, मॉड्यूल एक बार रीड करना है यार, एक बार रीड कर लेना है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। ठीक है चलो, ये डन, क्या ये लिख लिया आप लोगों ने, सभी लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया? ए ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, अरे आग लगाना बंद करो ना भैया, हमारे बच्चे इधर बाबूजी सुन रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। चलिए फर्स्ट वन क्लियर है, सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। सर प्रेक्षा ने कल मेरे लिए गाना गाया शुभम सर की क्लास में, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है आदित्य भैया, आग दोनों तरफा लगी है, बट तू फिर भी सख्त रहना, मैं बता रहा हूँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ तू सख्त रहना। चलिए ये हो गया, फर्स्ट वन इज वॉट लेबर सप्लाई, मैं दिख नहीं रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी। सेकेंड वन अगर हम बात करें लेबर सप्लाई के बाद, अगर हम बात करें, देखो कुछ आर्टिकल होते हैं ना जिनको बोलते हैं रेयर आर्टिकल, है ना, रेयर आर्टिकल मतलब ऐसे नमूने जो रेयर होते हैं, है ना, एकदम रेयर। रेयर का मतलब क्या हो रहा है भैया? ऐसी चीज मिली नहीं सकती आपको, ऐसी चीज मिली नहीं सकती आपको, करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको महाराणा प्रताप पता है आपको, यस सुन लो, राणा महाराणा प्रताप पता है, उनका जो भाला था क्या वो रेयर आर्टिकल है? यस सुन लो, वो रेयर आर्टिकल हो गया, बिल्कुल रेयर आर्टिकल हो गया। सेकेंड वन अगर हम बात करें, सेकेंड वन अगर हम बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज आपको पता है, यस और नो, उनकी जो तलवार थी वो क्या है? रेयर आर्टिकल है। अच्छा आपको महेंद्र सिंह धोनी पता है, यस और नो, उसने जो 6 मार के मैच जिताया था वो बैट भी क्या हो गया? रेयर आर्टिकल। आपको शुभम अपड पता है, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट की बात कर रहे हैं, आपको शुभम अपड पता है, वो जो पेंसिल से लिखते हैं वो भी रेयर आर्टिकल है। समझ आ रहे हैं? आते सुनो, क्या इनकी सप्लाई बढ़ सकती है? कल को अनुजा, अनुजा मैडम ने बोला, अनुजा मैडम ने बोला सर है ना, मेरे को है ना सर, मेरे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है सर, मैं तो ताजमहल ही गिफ्ट करूंगी सर। अनुजा बोल रही सर मेरा बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं, बनेगा कभी तो बनेगा, नहीं बनेगा तो हस्बैंड तो बनेगा, कुछ तो होगा जीवन में। बोले सर अभी कुछ नहीं करना, हाँ पढ़ ले बेटा, मौका प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, ये सब चीजों से दूर रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वैसे समझो फॉर एग्जाम्पल उसको गिफ्ट करना है यार, उसको गिफ्ट करना है ताजमहल गिफ्ट करना है, क्या हो पाएगी? क्या हो पाएगा? ये बोल, अरे मुंह मांगी, बोले चेकबुक लेके आई हूं, पूरा बैंक लेके आई हूं, तेरे को जितना अमाउंट डालना उतना डाल दे, मेरे को ताजमहल होना, होना मतलब होना। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा रही है ये, क्या सप्लाई बढ़ सकती है? आंसर इज नो, आंसर इज नो,
प्राइस बढ़ रही है लेकिन आंसर डिमांड क्वांटिटी सप्लाई क्या है उसका सेम है, क्यों? क्योंकि रेयर आर्टिकल है ना, सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते आप उसका। तो इन केस ऑफ रेयर आर्टिकल लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई बिकॉज इट इज वॉट रेयर, इट इज वॉट रेयर। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पर्सनली कभी भी पर्सनल ट्यूशन नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? पर्सनल ट्यूशन नहीं लेते हैं। शुभम सिंह ने फोन किया, सर सुनो ना, शुभम सिंह ने फोन किया, सर सुनो ना, सर प्लीज मेरे को पर्सनल ट्यूशन दो ना। मैंने बोला भाई नहीं देते हैं। नहीं बोले सर मेरे को सर पर्सनल ट्यूशन दो, सर फेस टू फेस में जो मजा है ना सर हमको सर पर्सनल। बेटा नहीं दे सकते, क्यों? सर बोले आप अमाउंट बोलो 1 लाख रुपीज पर आर के मैं दूंगा आपको, 1 घंटे का 1 लाख रुपए दूंगा सर मैं आपको। मैंने बोला अरे भाई नहीं देते हैं। सर 2 लाख रुपए दे दूंगा सर। मैंने बोला भाई नहीं देते हैं। तो बताइए क्या इसका प्राइस बढ़ रहा है फिर भी सप्लाई क्या है? कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो चीज हम करते ही नहीं है रेयर चीज है वो। सो रेयर आर्टिकल का सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते। अच्छा वो अरे यार वो अपनी एक थी ना इंग्लैंड से आई थी बंदी, वो अपना हीरा वीरा लेके गई, क्या नाम है उसका, क्वीन एलिजाबेथ। आया ना, जाने का मन कर रहा है मेरे को, हीरा तो लेके आऊँ मैं वापस एटलीस्ट, ठीक है। फिर मैंने देखा यार अरे इतने बच्चे बैठे, सबके सब हीरे हैं हमारे, उस हीरे से क्या करना है, बोला छोड़ दिया फिर मैंने। अब मुझे बताइए वो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कोहिनूर जो लेके गई है, क्या कोहिनूर का सप्लाई बढ़ सकता है? मेरी बहुत इच्छा है मैं अपने वाइफ को कोहिनूर का हीरा गिफ्ट करूं। कोहिनूर का हीरा तो गिफ्ट नहीं कर सकता लेकिन क्या मैं बताओ, मुझे बताओ क्या 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 यार हो? मेरी बहुत इच्छा है मैं वाइफ को मैं कोहिनूर डायमंड क्या करूं गिफ्ट करूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं क्या? अरे सप्लाई नहीं बढ़ सकती यार। मैंने मैडम को बोला मैडम देखो यार जो भी है हिसाब किताब देख लेंगे यार मैडम, मतलब वो क्वीन एलिजाबेथ से क्वीन, मैंने बोला जो भी है मैडम देख लेंगे, आप जो बोलोगे अमाउंट दे देंगे, पैसों की कमी है क्या? ये देखो हमारे सागर का पर्स देखो, ये देखो कितना पैसा भरा हुआ है, ये देखो पैसे ही पैसे इसका, ये देखो तो सही पर्स देखो आप सिर्फ, ओहो हो सब देखो, ओहो हो पैसे ही पैसे है भाई साहब हमारे पास, तो इतने पैसे मैं क्या बताऊं, इतना पैसे लेके मैं जाऊंगा कहां पे, मतलब सागर तू कहां जाएगा? ये देखो पूरा पैसा ही पैसा है भाई साहब, पूरा पैसा ही पैसा है। ये देखो इधर आओ, थोड़ा आगे आओ, तुम्हारे सर के ऊपर से अवार के तुम्हें देता हूं, इतना पैसा है भाई साहब इतना, ये सब सब 2-2 हजार के नोट है भाई, 2 लाख रुपए तो इसके ड्रॉवर में पड़े हैं, सोचो। चलिए ये देखो कितनी कार की चाबी, देखो ये देखो एक कार की चाबी, दो कार है भाई साहब इसके पास। अब मेरे को एक बात बताओ, ये रेयर आर्टिकल का सप्लाई बढ़ नहीं सकता है, कितना भी हो जावे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि प्राइस बढ़ा भी दोगे ना आप सप्लाई है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है ना यार, अवेलेबल नहीं है तो नहीं बढ़ सकता। दिस इज द सेकेंड पॉइंट करेक्ट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, अर्जेंसी या नीड ऑफ कैश, अर्जेंसी या नीड फॉर कैश। देखो यार कभी कभार है ना हमको बहुत जरूरत होती है कैश की, बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमको कैश की, ठीक है, पैसों की बहुत जरूरत होती है, हम इमरजेंसी में फंस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना सस्ते में वो माल बेच देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आदित्य की स्टोरी बता रहा हूँ, आदित्य कुमार सिंह। अच्छा आदित्य तू ही है वो निब्बा, तू ही है बेटे। सर आपको मेरे मैसेज नहीं दिखते हैं? अरे दिखते हैं ना तन्नू मैडम, दिखते हैं ना डायग्राम, इसका भी कैसा आएगा डायग्राम, इसका डायग्राम ऐसा आएगा, प्राइस बढ़ रहा है फिर भी सप्लाई कॉन्स्टेंट है, सप्लाई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अरे यार कौन फोन कर रहा है भैया, देख बोला क्या है, इमरजेंसी कट कर। हाँ जी सो यहां पे दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, नेक्स्ट वन है अर्जेंसी नीड फॉर कैश। अब देखो नीड फॉर कैश की अगर एग्जांपल हम लोग दें, आदित्य को अपनी आदित्य की गर्लफ्रेंड का क्या आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, हैप्पी वाला बर्थडे। आदित्य सिंह जो है उसकी गर्लफ्रेंड का क्या आ रहा है, हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है। अब ये गर्लफ्रेंड कौन है क्या है इससे तुमको कोई पंचायती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है ना, अपना काम करो आप, उससे परेशान उसको परेशान मत करो कि कौन है क्या है, ठीक है। सो आदित्य को अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के दिन उसको क्या करना है, गिफ्ट देना है, वो भी डायमंड का रिंग गिफ्ट करने वाला है, बहुत पैसा वाला बेटा, लेकिन डायमंड की रिंग गिफ्ट करना है बेटा। आदित्य को क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड का रिंग गिफ्ट करना है, लेकिन बेचारे के पास पैसे नहीं है अभी अभी अभी, वैसे पैसे वाला लेकिन आज पैसा नहीं है उसके पास। अब पैसा नहीं है तो उसने क्या किया पता है, उसका जो स्कूटर है वो वैसे तो 70,000 रुपीज का है लेकिन इमरजेंसी थी, ये मेरे पास आया सर 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 मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने बोला क्यों, बोले सर मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना उसका बर्थडे है और बर्थडे के दिन मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उसको क्या दिलाऊंगा, डायमंड का रिंग दिलाऊंगा सर। मैंने बोला ठीक है ना 10 दिन बाद में दिला देना। नहीं नहीं बोले सर बर्थडे के दिन ही हैप्पी वाला बर्थडे करूंगा, रिंग दूंगा, फिर हमारी शादी होगी, शादी के बाद मुनिहन को जाएंगे मतलब हनीमून को जाएंगे, बच्चे होंगे, बच्चों को बहुत लंबी प्लानिंग है इसकी भाई साहब। मैंने बोला बेटा
पैसे तो नहीं है अभी, इतने तो नहीं दे सकता। एक काम कर, तो बोले सर मेरे पास स्कूटर है, मैं वो स्कूटर बेच देता हूँ सर, आप स्कूटर खरीद लो और मुझे पैसे दे दो। मैंने बोला मैं स्कूटर का 50,000 दूंगा। आज उसका वैल्यू कितना है बताइए, वैल्यू कितना है? 70,000। बट कितने में सेल कर दिया उसने? 50,000। मतलब प्राइस कम थी फिर भी सप्लाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अर्जेंट है। जब कैश की जरूरत होती है ना, तो आप कम प्राइस में भी वो माल को बेच देते हो। बिकॉज अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो शायद से कुछ आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, कम प्राइस में पैसा दे देते हो। इमरजेंसी होती है यार, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड में तो बहुत हुआ यार, कोविड के केसेस में बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, घर बेच दिया, सस्ते में घर बेच दिया, कार बेच दी सस्ते में कार बेच दी। क्यों? अर्जेंट। अगर पैसा नहीं होता तो दिक्कत में आ जाती है। अमृता बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमृता बेटे बेटे ऐसे मत करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। हाय ना, मुंडी हिलाओ, वहीं से मुंडी हिलाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाऊंगा मैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अमरुद, या तो आप लेट ज्वाइंट हुए, या तो पहले से लेक्चर आपने देखा नहीं है, या तो स्टार्टिंग आपने मिस कर दिया है, तो दिक्कत आएगा ही आएगा बेटा, है ना? तो टाइम पे ज्वाइन किया करो। ओके बड़ी, सो नेक्स्ट वन, यस नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें अर्जेंट, देखो यार हम बात करें एक्सेप्शन। सी व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब जहां पे लॉ अप्लाई होता नहीं है। यहां पे अर्जेंसी के केस में क्या हुआ, प्राइस कम था फिर भी हमने स्कूटर बेच दिया, मतलब सप्लाई कर दी। करेक्ट है प्राइस, परीक्षा बेटा यहाँ पढ़ ले, मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, वो पढ़ लेना पहले। सो प्राइस कम था फिर भी हमने सप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट एक्सेप्शन। सर एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया? बेटा लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, एक ही बंदा है, अल्फ्रेड मार्शल। एक ही बंदा है, कौन? अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सब उसी ने दिया है, सब उसी ने दिया। कभी गुस्सा आवे ना तो पेट भर के गालियां दो उसको, आप बिल्कुल दे देना, मुझे नहीं अल्फ्रेड मार्शल को, है ना? नहीं तो बोलोगे मेरे को। चलिए आदित्य बोला सर प्रेक्षा को बोलो ना वीडियो ऑन करे। अबे ए तेरी सासू का माल, पढ़ लेना आशिकी, बंद करना। चलिए डन। नेहल बोल रही आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही ना बेटा? आवाज तो आ रही ना मेरी? ओके चलिए, फोर्थ सिचुएशन है, फोर्थ सिचुएशन है बेटा एग्रीकल्चर गुड्स। हाँ फोर्थ सिचुएशन कौन सा बेटा आपका? एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा ये बताइए, बताइए एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा? कमन एवरीबॉडी, आशीष जस्ट शट अप। किसके ऊपर डिपेंड होगा? नहीं, बारिश के ऊपर। बारिश कितने टाइम पे आती है ना, है ना, वेदर क्लाइमेट कंडीशन, उसके ऊपर डिपेंड होगा। हाँ या ना? मतलब समझ लो, समझ लो, अगर इस बार लेट से यहां पे ना महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में ना आम की खेती बहुत अच्छी होती है, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, मैंगो और शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है बेटा मानसून पे। नेहल बोल रही आवाज नहीं आ रहा। नेहल बेटा एक आपको पता है, एक लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में आपको है ना यहाँ पे म्यूट अनम्यूट करके लिखा होगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करिए, आपने गलती से ना वहां पे क्लिक कर दिया इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। नेहल जी लेफ्ट हैंड साइड में ना एकदम एंड में उस पर क्लिक करिए आप। चलिए ओके okay. सो अब देखो यार, इस बार लेट से राइस का प्राइस बहुत हेवी है, राइस का प्राइस बहुत ज्यादा है, राइस बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी राइस का सप्लाई नहीं हुआ। क्यों सप्लाई नहीं हुआ पता है? क्योंकि इस बार उसका प्रोडक्शन, बारिश ही नहीं थी यार, सूखा गिर गया, बारिश ही नहीं थी, या इतनी बारिश आ गई कि जितना राइस था सब बह के चला गया। प्राइस ज्यादा है यार, वो प्राइस ज्यादा है फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ रही है। क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं है। बिकॉज इनका प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनका प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर क्लाइमेट कंडीशन नहीं है सही, तो आप कितना भी कर लो प्रोडक्शन आपका बढ़ने वाला नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है, कितना भी कर लो आप प्रोडक्शन आपका इंक्रीज ही नहीं होगा बाबू। क्यों इंक्रीज नहीं होगा?
सर ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, अमृता जी बिल्कुल अपलोड करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, करेक्ट है। सो एग्रीकल्चर गुड्स का सप्लाई डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट कंडीशन, सो इवन एट अ हायर प्राइस वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई बिकॉज ऑफ व्हाट, इस बार क्लाइमेट कंडीशन ही नहीं है, इस बार उतना फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन अच्छा नहीं है, इसकी वजह से सप्लाई नहीं बढ़ पाई। कोशिश हमने बहुत की है भैया, कोशिश हमने बहुत की है, लेकिन नहीं है, क्लाइमेट कंडीशन नहीं है सर। लेकिन आजकल तो फैसिलिटी है, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, हाँ मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल अभी भी मेजोरिटी लोग जो है ना, मेजोरिटी के लोगों के खेत जो है ना वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज द फैक्टर अगेन, है ना। तो ये चार एक्सेप्शन में आ गए। पहला कौन सा था, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ यारो, पूरा फोकस करिएगा अच्छी तरीके से। फर्स्ट वन इज व्हाट, लेबर सप्लाई, शांति से सुनिएगा एकदम अच्छे से। लेबर सप्लाई केस में क्या होगा, अब जो भी आप बातें करेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी, करना है सेम जेंडर से, अभी तो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है ना, थोड़ा अगर मोदी सर ने हिम्मत की होती ना तो आज हमने कर ली होती। ओके ओके, चलिए जोक्स अपार्ट, एक्चुअली क्या है ना, सी हुआ ये होता ना, एग्जीक्यूटिव फेस टू फेस बैच की बात है। वंस अपॉन अ टाइम जब फेस टू फेस बैच चलती थी ना, तो एक है ना एकदम छोटी सी लड़की थी क्लास में, एकदम छोटी सी मतलब हाइट में, उम्र थी, हाइट इतनी छोटी थी ना उसकी एकदम, तो उसको मैं बेटी 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 बोलता था, है ना। एंड तो उसने वहाँ से स्टार्ट कर दिया कि आज से आप मेरे पप्पा, तो फिर बाकी स्टूडेंट ने पूछा कि पप्पा शुभम सर है तो मम्मी कौन है, बोले मोदी मम्मी। अब हुआ यूँ, एक बार हुआ यूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एक किस्सा क्या हुआ। ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे अपना ऐसा क्लास है ना, रोड पे ऐसा मेन रोड पे ऐसा क्लास है, और हम लोग इस यहाँ पे ना छोटे छोटे वो सब स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, भेल एंड ऑल सारी चीज़ें को, तो हम लोग कुछ पानी पूरी वगैरह या कुछ खा के हम लोग यहाँ से आ रहे थे, और ये इधर से क्लास के यहाँ से दूर से भागते भागते आगे चिल्लाती है, मोदी मम्मी, शुभम पप्पा, भाई साहब। और क्लास छूटा हुआ था उस टाइम पे, मतलब अराउंड 500-500 स्टूडेंट्स वगैरह रहेंगे, और वो सब लोग देख रहे हैं, और मोदी मम्मी चिल्ला दी उसने, तब से पूरा नाम चल गया, तब से पूरा का पूरा, मतलब 2 साल हो गए आज से हमारे रिश्ते को कि है ना, 2 साल हो गए हमारे रिश्ते को, क्या ही बताएं यार, क्या तो ऐसा हो जाता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लें, सबसे पहला क्या था, कमन एवरीबॉडी, सबसे पहले था लेबर सप्लाई। इन केस ऑफ लेबर सप्लाई क्या होता है, समझिएगा चीजों को, समझिएगा लेबर सप्लाई केस में सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया था कि बेटा इनिशियली प्राइस बढ़ती है तो लेबर काम ज्यादा करता है, लेकिन एक स्टेज के बाद में प्राइस बढ़ती है तो भी लेबर कम काम करता है, लेबर कम काम करता है, क्यों, क्योंकि उसको लेट से क्या करना, रेस्ट करना, लाइफ में आराम की जिंदगी चाहिए उसको। यार आज हम लोग है ना, हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं, आपको क्या लगता है आप 60-70-80 ईयर्स तक काम करोगे सर, क्या बात है, 40 सर 40 में कमा लेना है। अब जैसे मुझे भी कोई पूछता है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, घर पे भी मुझे कभी घर वाले बोलते हैं इतना काम क्यों करता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे 5 साल में 50 साल का कमा लेना, फिर आराम करना है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग, आज की जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है वो क्या सोचती है यार, बस 30-35-40-45 मैक्स टू मैक्स चलो वहां तक काम करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, पैसा कमाना है। तनुबिस्ट सर आप मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, अरे मैडम नरक में थोड़ी जाना है आपके मैसेज इनका इग्नोर करके। आपको पता है गरुड़ पुराण में सजा है इसकी, कि कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट के मैसेज का रिप्लाई मतलब मैसेज को इग्नोर करता है तो उसको गरम गरम तेल में तला जाता है बेटा, है ना। तो इतनी हिम्मत नहीं हमारी। सो दिस इज व्हाट बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, इनिशियली क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट एक पॉइंट के बाद में प्राइस इंक्रीज भी होगी तो भी सप्लाई कम होगी। इसमें स्लोप कौन सा है, कमन एवरीबॉडी, स्लोप कौन सा है, रेणुका बोल रही सच में। हाँ जी चलिए शायरी, अरे बोलता हूँ ना शायरी, ये शायरी वाड़ी, चलिए। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, लेबर सप्लाई। सेकंड वन क्या था, एग्जांपल रेयर आर्टिकल मतलब यूनिक पीस, यूनिक चीज़ें ना उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, दिस इज व्हाट रेयर आर्टिकल। थर्ड वन इज व्हाट, अर्जेंसी ऑफ नीड, ये सबसे बड़ा चैप्टर आपका, इसलिए टाइम ज़्यादा भी ले रहा है, और क्योंकि मेन बैच है इसलिए टाइम ज़्यादा भी लेता है, है ना, मेन बैच है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, सेकेंड वन है रेयर आर्टिकल, थर्ड वन है अर्जेंसी ऑफ कैश। अर्जेंसी की अगर हम बात करें बेटा, अर्जेंट अगर है आपको कैश का जरूरत है ना, अर्जेंट आपको पैसा चाहिए, तो प्राइस कम भी रहेगी ना तो आप सप्लाई कर दोगे, लॉ फॉलो नहीं हुआ। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एग्रीकल्चर गुड्स इवन एट अ हायर प्राइस वी कैन नॉट सप्लाई बिकॉज
बिकॉज बिकॉज सप्लाई डिपेंड्स अपॉन वॉट बेटा आपका, बिकॉज सप्लाई डिपेंड्स अपॉन वॉट, कमन एवरीबॉडी, सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? मानसून कंडीशन के ऊपर, मानसून कंडीशन के ऊपर, ये एक्सेप्शन है। अच्छा एक आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, कल मैं पूछूंगा आपसे, कल मैं पूछूंगा आपसे, जैसे हमने देखा था क्वांटिटी डिमांड को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वैसे क्वांटिटी सप्लाई को भी दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक कौन सा? प्राइस, और दूसरा कौन सा? अदर फैक्टर। एक कौन सा? प्राइस, और दूसरा कौन सा? अदर फैक्टर। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में अगर चेंज हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। और अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंज हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? चेंज। क्या वेरिएशन के दो पार्ट देखा था हम लोगों ने? हाँ है ना, कौन सा? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। चेंज में भी हम लोगों ने देखा था इंक्रीज एंड द डिक्रीज। सो जो हमने डिमांड में देखा था वैसा सेम आपको सप्लाई में करना है। तो कल हमारा सप्लाई खत्म हो जाएगा, कल हम सप्लाई खत्म कर देंगे, एंड देन एक या दो दिन लगेंगे आपको मार्केट में खत्म करने को, फिर एक दो दिन हम लोग क्या करेंगे, आपके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जितने भी एक्सेप्शन है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा, एक्सेप्शन में नेगेटिव रिलेशनशिप। सर आप एक गाना गाओ, अगर मैं गाना गाऊंगा ना भैया तो तुम मेरे लेक्चर में जिंदगी में बैठोगे नहीं, तुम्हारे कान से खून निकल सकता है बेटा, मैं बता रहा हूँ, इतना डेंजर है मेरी आवाज, इतनी डेंजर है। चलो दो लाइनें सुन लो, ये उनके लिए ना, ये कितने लोग अपने को टॉर्चर करते हैं, सीएस तेरे से नहीं होगा, इतना पढ़ना पड़ता है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, करते कि नहीं करते? बहुत लोग टॉर्चर करते हैं, यस और नो? हाय ना, करे ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, ठीक है, रिलेटिव। तो उनके लिए वो गाना गा लेना, मैं भी चंगा मेरा गाना मत रे बाबा। चलिए सो क्या है, देखिए आराम से, उनके लिए है, उनके लिए जो हमें गिराना चाहते हैं कि ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने के लिए बार बार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने के लिए बार बार गिरे। वाह 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 वाह, अबे वाह वाह बोलो बेशर्मो, समझ में तो आया ना? नहीं तो इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओ भाई साहब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और देखते रहिए यूनिकेडमी फॉर कॉमर्स। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।